सो हे गाइज, वेलकम बैक टू फ्री एरा। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो में हम बातने वाले हैं काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में। तो गाइज, आज की वीडियो में हम बातने वाले हैं फ्री फायर इंडिया की नई डेट आ चुकी है, वो कब लॉन्च होने वाला है। राइस्टार और ज्ञान गेमिंग एक चीज को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा थे एंड इस चीज को एक्सपोज करते हुए शायद वो जल्दी एक वीडियो भी लेके आ सकते हैं। और इसके अलावा बात करेंगे जो लोग भी स्पैम करते हैं कि भाई हमारी आईडी को अनबैन करवा दो, उसके रिगार्डिंग बहुत बड़ी अपडेट है। तो गाइज, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। और गाइज, आप में से 80% लोग ऐसे जो कि वीडियो को देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाते हो, तो यार थोड़ा सा टाइम लगता है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको ऐसी अपडेट मिलती रहे। तो चलिए आज के हमारी पहली अपडेट के बारे में बात ले चुके हैं, टोटल गेमिंग के बारे में। तो टोटल गेमिंग ने बता दिया कि उनका नेक्स्ट वीडियो फ्री फायर के ऊपर में होने वाला है एंड शायद ये रैंक पुश हो सकता है, जो कि वो बीडी सर्वर के अंदर में रैंक पुश किए थे, या फिर इसके अलावा कोई और टॉपिक भी हो सकता है। बाकी आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट में बता सकते हो। तो चलिए हमारी अगली अपडेट के बारे में बात ले चुके हैं, राइस्टार एंड ज्ञान गेमिंग के बारे में। तो ज्ञान रिसेप्ट की लाइव स्ट्रीम के ऊपर में बात होती है टूर्नामेंट के ऊपर में, अभी के टाइम पर जो भी टूर्नामेंट करवा रहे हैं या खेल रहे हैं, तो इसको लेकर के राइस्टार एंड ज्ञान गेम यहाँ पर अपने ओपिनियन दिए एंड साथ यहाँ पर राइस्टार एक चीज को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए एंड यहाँ पर बताया कि शायद वो इस टॉपिक के ऊपर में एक एक्सपोज वीडियो भी लेके आ सकते हैं। इनका भी एक टूर्नामेंट है, उसके बाद आएगा ट्रेवल लौरा भगा इसको मैं बच्चों जन लौरा का टूर्नामेंट भाई यार भाई भाई रुको अंत पे बुलाता हूं देखो कौन गेम बड़ा आ रहा है। मैं सुनी बताओ जो गेम तो है ही नहीं, बैन करके रखे टूर्नामेंट के 14 बन रहे भाई और ऊपर से जो मैं ये सोच रहा भाई यार गेम में से आ ही नहीं रहा, लौरा गेम के लिए कुछ बोलता कोई नहीं है, ऊपर से भाई टूर्नामेंट पे टूर्नामेंट खेल रहा है यार, कौन सा शूटी है लोग जो टूर्नामेंट कर रहा है। हां सही बात है, प्लस 1 दोस्तों गेम छोड़ो भाई, गेम डील करके पढ़ाई लेके करो, कम से कम काम वाम करोगे भाई यार, खेलो यार टूर्नामेंट खेलो। टूर्नामेंट खेलो सही, लेकिन सबसे पहले बहन चोद इस मदर चोद जैसे मॉडरेटर की माँ की छूट भाई, उनको माँ कसम सुन, अगर पबजी जैसा होता ना, सुनो फ्री फायर में भी अगर पबजी जैसा होता ना भाई, अगर टूर्नामेंट के एक ये कर सकते थे भाई, लेकिन इन्होंने पैसा छापा है बस, इनकी माँ की छूट भाई, कर सकते थे भाई बहुत कुछ कर सकते थे भाई, ये तो बहुत अच्छा है भाई, मॉडरेटर बना सकते थे, लेकिन ये लोग मदर चोद एक नंबर की, मॉडरेटर तो बहुत अच्छा है भाई यार, मॉडरेटर की माँ की चूत भाई, उसकी पवन की माँ की चूत इस बार, अरे भाई ऐसे बस क्या भाई मेरे साथ उसे क्या क्या धमकी बदल उसकी माँ चिंता क्यों कर रहा है तू भाई, वीडियो डालूंगा मैं बस आराम से, वीडियो डालूंगा हाँ भाई। तो चलिए हमारी अगली अपडेट के बारे में बात ले चुके हैं फ्री फायर इंडिया के बारे में। तो जैसे कि आप सबको पता होगा पहले जो डेट आई थी कि 5 सितंबर को गेम आने वाला है, इसके रिगार्डिंग काफी सारे आर्टिकल भी सामने आए थे और पहले जब आप गूगल पे सर्च करते थे तो वहां पर 5 सितंबर ही वहां पर डेट आती थी, लेकिन अभी के टाइम पर अगर आप गूगल के ऊपर में सर्च करोगे फ्री फायर इंडिया कब लॉन्च होगा इंडिया के अंदर में, तो वहां पर आपको डेट देखने को मिलेगी 15 सितंबर। तो कुछ लोगों को यहां पर लगा कि 15 सितंबर को शायद गेम लॉन्च हो सकता है, इसके रिगार्डिंग कुछ लोगों ने मेरे को स्क्रीनशॉट भी शेयर किए इंस्टाग्राम के ऊपर में, लेकिन आप में से आधे लोगों को पता चले गया होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि 15 तारीख को लॉन्च नहीं होगा गेम, क्योंकि जिस आर्टिकल के ऊपर में ज्यादा व्यूज एंगेजमेंट वगैरह आती है तो गूगल उसी चीज को सजेस्ट करता है उस क्वेश्चन के ऊपर में। तो ये जो 15 तारीख यहाँ पर दिखा रहा है वो किसी आर्टिकल में बताया गया है और आर्टिकल में आपको पता है कि फेक चीज ही बताई जाती है ज्यादातर, तो इसकी कंफर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है कि 15 तारीख को गेम आएगा, लेकिन अगर मेरे को कोई अपडेट मिलती है या फिर कोई सॉलिड अपडेट मिलती है डेट को लेकर के मैं आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए हमारी अगली अपडेट के बारे में बात ले चुके हैं यूजी आयुष के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि यूजी आयुष की आईडी बैन हो गई, तो इसके रिगार्डिंग बात करते हुए बोस ऑफिशियल अपने चैनल के ऊपर में वीडियो अपलोड किए जहां पर अपना ओपिनियन दिए उनकी आईडी बैन को लेकर के। स्क्रीनशॉट को सही तरीके से देखोगे तो वहां रीजन वगैरह ऊपर लिखा हुआ है कि आप फ्री फायर को कहीं और से डाउनलोड किए हो या ऐसा वैसा ये वो, तो ऑन लाइव आयुष ने इधर उधर फ्री फायर के ऑफिसर्स वगैरह को कॉल करा तो उनको कहना था कि या तो तुमने गेम कहीं और से डाउनलोड करा या वीपीएन यूज करा है। अब देखो वीपीएन का तो मेरे को नहीं पता, लेकिन अगर तुम बात करते हो फ्री फायर को कहीं और से डाउनलोड करने की तो देखो अभी के टाइम पे गेम बैन हो रखा है। देखो एज पीसी प्लेयर में तुमको बता रहा हूँ, जैसे हमारे में हम फ्री फायर मैक्स पे नहीं खेल सकते, पीसी में बहुत ज्यादा लैग होता है। एंड अभी आयुष के बारे में बात चली गई तो बात लेते हैं आयुष के बारे में। उन्होंने अपने चैनल के ऊपर में वीडियो अपलोड की जहाँ पर बताया कि वो वी बैच छोड़ने वाले हैं, पार्टनर प्रोग्राम से निकलने वाले हैं और इसका रीजन देते हुए यहाँ पर आयुष कुछ ये कहे। और सबसे बड़ी बात सैलरी मिलती है, पूरा खुले होकर बता रहा हूँ, सैलरी मिलती है अच्छी खासी, तो अभी के लिए वो सब चीजें मेरे को नहीं मिलेंगी इस डिसीजन की वजह से। और ये डिसीजन मैंने लिया है क्योंकि गाइस मेरे को अभी एक्सप्लोर करना है, मैं सिंपल सीधा बता देता हूँ, मेरे को अभी एक्सप्लोर करना है, मेरे को सारे गेम्स खेलने हैं, मेरे को ई स्पोर्ट खेलना है अभी, बस फ्री फायर का तो 3 साल से है नहीं,
पर मेरे को ईस्पोर्ट खेलना है अदर गेम्स का, मेरे को एक प्रॉपर गेमर बनना है गाइस। अभी के लिए मैं सब कुछ एक्सप्लोर करूंगा। तो चलिए हमारी अगली अपडेट के बारे में बात ले जो कि है टेक प्रो हर्ष के बारे में। तो आप में से काफी सारे लोग बार बार स्पैम करते हैं कि अपने आईडी को अनबैन कैसे करवा सकते हैं, तो इसी टॉपिक को लेकर के टेक प्रो हर्ष अपने चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड कर चुके हैं, अगर आप चाहो तो जाके डिटेल से देख सकते हो वहाँ पर, और किन कंडीशन में आपकी आईडी अनबैन हो सकती है वहाँ पर इसके बारे में बात हुई है। तो चलिए हमारी अगली अपडेट के बारे में बात ले जो कि है टुक्स भाई के बारे में। तो भाई टुक्स भाई अपने इंस्टाग्राम के ऊपर में स्टोरी अपलोड किए जहाँ पर बताया कि वो जल्दी कोई अनाउंसमेंट करने वाला है जिसके लिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तो अभी अनाउंसमेंट क्या होने वाली है, किसके रिगार्डिंग होने वाली है, इसके बारे में कोई भी हिंट नहीं है। अगर इसके बारे में कोई अपडेट मिलती है मैं आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए हमारी अगली अपडेट के बारे में बात ले चुके हैं देसी गेमर के बारे में। तो जैसे कि आपने देखा होगा देसी गेमर जब भी गेम वगैरह खेलते हैं या फिर कोई भी बड़ा यूट्यूबर खेलते हैं तो उसको स्ट्रीम स्नाइप बहुत जल्द किया जाता है। तो देसी गेमर जो प्ले कर रहे थे उनको बार बार स्ट्रीम स्नाइप किया जा रहा था, जिसके ऊपर में देसी गेमर गुस्सा हो गए। एंड इसके बारे में बात करते हुए देसी गेमर कुछ ये कहे, गाइस मैंने सी पैड में किसको नॉक किया था मेरे को बताना, जितने भी लोग आ रहे हैं ना अगर इस चीज में मैं मरूंगा ना मैं जिंदगी में कस्टमर इनवाइट नहीं दूंगा, बैन कर दूंगा। अगर जीत भी गया तो वो कभी जिंदगी में जीत नहीं पाएगा, ढंग से खेलने नहीं देते मुझे यार, मैं कैसे खेलूंगा बोले। अभी भी तीन बंदे आ गए थे पता, वैसे एक को मारा मैंने, तीन बंदे आ गए थे। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही, मिलता आपको अगली वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।